अपने ग्राउंड से बाहर बैट्समैन। जब कोई बैट्समैन अपने ग्राउंड से बाहर होता है तो उसके स्टंप या रन आउट होने का खतरा होता है। लिहाजा कोई बैट्समैन कब अपनी ग्राउंड से बाहर होता है? जाप्ता 29 के मुताबिक किसी बैट्समैन को तब उसकी ग्राउंड से बाहर तसव्वुर किया जाएगा जब उसके हाथ में मौजूद बैट या उस शख्स के जिस्म का कोई हिस्सा इस सिरे की पॉपिंग क्रीज के अंदर ना हो। मिसाल के तौर पर यहां उसका बैट क्रीज के निशान पर है लेकिन इसके पीछे नहीं, जिसका मतलब है कि इसके आउट होने का ज्यादा इम्कान है। लेकिन क्या वो अब आउट है? वो लाइन पर है लेकिन ना तो उसका बैट ना ही इस शख्स के जिस्म का कोई हिस्सा ग्राउंड पर है, यानी ग्राउंड के राब्ते में है। जी हां, इस तरह वो आउट है। अगला सवाल, और ये थोड़ा सा सरदर्दी का मामला हो सकता है, हर बैट्समैन का ग्राउंड कहां वाकया होता है? जब कोई बैट्समैन ग्राउंड में होता है यानी पॉपिंग क्रीज के पीछे होता है तो दूसरे सिरे का ग्राउंड दूसरे बैट्समैन का होता है। अगर दोनों में से कोई अपनी ग्राउंड में ना हो, मिसाल के तौर पर जब वो दोनों विकेट के दरमियान दौड़ रहे हों या खड़े ही हों, तो जो बैट्समैन जिस ग्राउंड के ज्यादा करीब होगा वो ग्राउंड उसका होगा। अगर दोनों बैट्समैन बराबर में हैं, तो बराबर आने से पहले वो कहां पर थे ये फैसला कुन अमल होता है। यकीनी तौर पर क्रिकेट में और भी दिलचस्प पेचीदियां हैं, जैसे कि एक ही ग्राउंड में दो बैट्समैन या स्ट्राइकर के साथ रनर होने पर तीन बैट्समैन। लेकिन घबराएं नहीं, ज़हनी उलझन थोड़ी सी तवज्जो और ब्लू बुक के जाब्ते 29 को देखने से दूर हो जाएगी।